के मिश्रा, केमिस्ट्री, वीडियो फॉर क्लास 9th। रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3rd इज डिस्कस्ड टुडे। मूल कंसेप्ट, द टॉपिक्स इज मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट में हम लोग प्रीवियस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास, मोल और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमने बता दिया था। आज उसी से संबंधित चीज को बताएंगे। कुछ पॉइंट वाइज हमने उसको लिख दिया है। द स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई वन मोल ऑफ एनी गैसेज एट STP इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर्स। इसका क्या मतलब है? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखलाया था कि गिवेन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। अगर हम देते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा तब, लेकिन मोल जो है उसके मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा, जो अलग अलग कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही उसका एक मोल कहलाता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही एक मोल कहलाता है। तो किसी भी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हो तो ये समझ जाते हो कि इतना ग्राम बराबर एक मोल। अब एक मोल में, ये भी बता चुके हैं पिछला वीडियो में, कि एक मोल में पार्टिकल की संख्या फिक्स होता है और वह फिक्स संख्या 6.022 × 10³ होता है। इसी संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, अर्थात एवोगाड्रो नंबर ये फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो उसके द्वारा क्लास में अगर 100 बच्चे हैं हर क्लास में, तो उस 100 बच्चों को रखने के लिए क्लासरूम का साइज जो होगा वह सेम होगा, अर्थात उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम क्यों सेम हो गया, यह बात समझ में आ गई कि क्योंकि एक मोल में पार्टिकल की संख्या फिक्स होता है और उस फिक्स संख्या के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वह फिक्स होगा, 22.4 लीटर होगा। वन मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 × 10³। फिर तीसरा पॉइंट ने किया, वन मोल ऑफ डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। अब एक मोल किसी भी गैस का जो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट होगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 है, 16 × 2 = 32 हो गया। वह कितना के बराबर होगा, एक मॉलिक्यूलर मास निकल गया तो 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, और 1 मोल ऑक्सीजन में उसकी संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। उस तरह से N2, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, और उसमें संख्या वही बराबर है। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन हो गया, और 1 मोल हाइड्रोजन में वही संख्या है। 71 ग्राम क्लोरीन, 35.5 होता है एटॉमिक मास उसका, Cl2 होता है। 71 ग्राम क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन, उतना ही फिक्स संख्या क्लोरीन का है। 44 ग्राम CO2, 1 मोल CO2, और CO2 में भी उसकी संख्या CO2 की उतनी ही है पार्टिकल का। 64 ग्राम SO2, 1 मोल SO2, और उसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या है। तो जब संख्या आप देख रहे हो कि 1 मोल में, चाहे वो SO2 है, CO2 है, क्लोरीन Cl2 है, हाइड्रोजन H2 है, N2 है, O2 है, सब में क्या है, उस पार्टिकल की संख्या, उनके उनके मॉलिक्यूल की संख्या सेम है, मॉलिक्यूल की संख्या सेम है, और उनके मॉलिक्यूलर मास क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज वन मोल ऑफ एनी गैस हैव फिक्स नंबर ऑफ देयर पार्टिकल, एक मोल में उनके पार्टिकल की संख्या फिक्स है, एंड बाई दिस फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑल्सो फिक्स इक्वल टू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर क्यों हुआ, तो उसमें फिक्स संख्या है और उसके द्वारा जो है वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो वन मॉलिक्यूल CO2 है, उसमें कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन का एटम है, 3 एटम हो गया। CO2 एक मॉलिक्यूल है,
और एक मॉलिक्यूल में उसके एटम की संख्या 3 हो गया। SO3 है, एक सल्फर का और 3 ऑक्सीजन का, 4 गो एटम है। CH4 है, एक एटम कार्बन का, 4 गो हाइड्रोजन का है, 5 एटम हो गया। HCl है, एक एटम हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, 2 एटम हो गया। एक मॉलिक्यूल में ये एटम है, अगर इस मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तो कुल इतने ही एटम इसमें बनेंगे। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास देखिए, 44 ग्राम, 80 ग्राम, 16 ग्राम, 36.5 ग्राम। तो यह 1 मोल हो गया, और 1 मोल में क्या एटम की संख्या बराबर हुआ? नहीं हुआ, एटम की संख्या अलग अलग है। तो 1 मोल में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, एक मोल नहीं कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट कंपाउंड्स इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स बट नंबर ऑफ मोल्स इज सेम इक्वल टू 1 मोल, इतना बराबर 1 मोल हो गया। और 1 मोल में ये एटम की संख्या अलग अलग हो गया, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या 44 ग्राम, मॉलिक्यूल की संख्या कितना हो जाएगा? 6.022 × 10^23। अब उसमें एटम की संख्या पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल तो सेम हो गया इतना इतना ग्राम में, लेकिन एटम क्या होगा? तो नंबर ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में अगर एटम की संख्या निकालना है तो हमने मॉलिक्यूल की संख्या निकाल दिया, और उसमें 1 मॉलिक्यूल में एटम की संख्या से गुणा कर लोगे तो 1 मोल में एटम की संख्या निकल जाएगा। 1 मोल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल डिफरेंट मॉलिक्यूल का ऊपर दिखा दिए हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होगा। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, उनमें एटम की संख्या भी डिफरेंट है। 1 मोल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, याद रखना डिफरेंट मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की संख्या अलग है, नंबर ऑफ एटम्स अलग है, बट हैव सेम वॉल्यूम। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के 1 मोल है तो उसमें वॉल्यूम की संख्या फिक्स है, सेम है, और उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैंने इतना ही दिया है, इस कंसेप्ट को करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन को बनाएंगे।